अरे पिया ये क्या कर रहे हो? जैसे आपने 2 दिन किया था वैसे मैं भी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कार्टून्स की दुनिया में। ओ तो हाय फ्रेंड्स, केम शो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त जमेल, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो आज के ब्लॉग में जैसे पिया आप लोग को बोल रही है, हम लोग आपको लेके जा रहे हैं कार्टून्स की दुनिया में, मतलब वार्नर ब्रदर्स। तो भाई साहब अपने जमाने के कार्टून के साथ आज धमाल करने का दिन है, प्लस पिया को भी कार्टून्स बहुत पसंद है। तो अंदर जाएंगे, वार्नर ब्रदर्स में क्या क्या है देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ए हेलो। तो दोस्तों इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे। तो कल हम लोग 10:35 को निकले थे एग्जैक्ट, और बस अपनी निकल गई थी, भागे भागे फिर भी नहीं पहुँच पाए थे। मगर आज हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करके जल्दी निकल गए। अभी हो रहा है 10:27, तो पहुंच जाएंगे बस तक। तो ये है सिंगल डे का एंट्री टिकट। यहाँ का एडल्ट का है 380 दिराम्स और जूनियर बच्चों का है 305 दिराम्स, और टाइमिंग है इसका 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। तो भाई साहब आ गए हम लोग बच्चों की दुनिया में, द कार्टून जंक्शन। तो जैसे आप अंदर आएंगे सबसे पहले देखना मिलता है आपको वार्नर ब्रदर्स प्लाजा। बेसिकली एक चौक है, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग सेक्शंस में होती है। जैसे यहाँ पे है कार्टून जंक्शन, यहाँ पे गोथाम सिटी, यहाँ पे आगे है मेट्रोपोलिस, और यहाँ पे आगे भी कुछ है, अभी वो देखते हैं क्या है। फिलहाल पिया कहाँ पर जाना है? कार्टून जंक्शन। तो बच्चों का फेवरेट, अपना भी फेवरेट, हम लोग पहले जा रहे हैं कार्टून जंक्शन। आइए देखते हैं कार्टून जंक्शन में क्या क्या है देखने लायक। भाई हम चले अंदर टॉम एंड जेरी के हाउस में।
अब ये टॉम एंड जेरी वाला राइड क्या था यार, रोलर कोस्टर भी था साथ में, स्पिन भी हो रहा था, बहुत मजा आया। अब हमारे मैडम नहीं आए मगर मेरे को बहुत मजा आया। तो जैसे बोला था, बचपन की यादें, कितनी बार देखी है ये गाड़ी स्कूबी डू की। चले स्कूबी डू हाउस में चलते अंदर। या जाना है वापस? हाँ। देखो अभी जाना है, पहले बाहर से बोला नहीं नहीं बहुत डर लगा है, बहुत डर रहा है, मगर अभी मेरे को वापस बोल दिए और एक बार बैठना है, मगर अभी जाते हैं। पार्क बहुत बड़ा है, अपने पास टाइम भी शाम तक का है, तो दूसरी राइड देखते हैं बाद में। जैसे हम लोग ने फरारी वर्ल्ड में किया था, उसको चाहिए था तो हम लोग ने वापस रिपीट कर नहीं था, देखते नेक्स्ट राइड अपने को कौन सी मिलती है। तो अब हम लोग आ गए बक्स बनी के एरिया में से लोड रनर के एरिया में। पी बी तो अब पहुंच चुके वो कार्टून की राइड पे जो मेरा बहुत फेवरेट था और अपने टाइम से ये बहुत आगे था। उस जमाने में उड़ती हुई कार द जेटसंस था। ये चलिए बैठते हैं अंदर, मजा लेते हैं इसका। तो भाई साहब एक चीज़ मुझे बहुत सही लगी ये पार्क की, हम लोग आए हैं समर सीजन में तो बाहर बहुत गर्मी है, धूप है ये टाइम पे, मगर अंदर है ना बहुत ऐसी कड़क ठंडी है। देखो पिया को इतनी ठंडी लग रही थी, वो कांप रही थी लिटरली, तो हमको उसके लिए यहाँ से एक टी शर्ट लेना पड़ा। तो अब हम लोग जा रहे हैं लोड रनर के एरिया से आगे बढ़ते हुए स्टोन एज में, मतलब यहाँ पे 100% अपने को देखने मिलेगा फ्रेडी फ्लिंस्टोन। तो यहाँ पे है राइड द फ्लिंस्टोन्स बेडरॉक रिवर एडवेंचर, मगर ये बंद है तो अंदर नहीं जा पाएंगे। मगर भाई साहब यहाँ पे आके ना अपने को सब अपने कैरेक्टर जो छोटे में देखते थे कार्टून में देखने मिल रहे। ये देखिए फ्रेडी फ्लिंस्टोन की कार भी यहाँ पे देखने मिली जो पाँव से चला रहा था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को फ्लिंस्टोन की कार भी देखने मिली है, आइए फोटो निकलते इसके साथ में। तो भाई साहब हमें स्टोन एज में तो फ्रेडी फ्लिंस्टोन की गाड़ी कैसे चलती थी आप लोग को पता है? ऐसे खड़े रहने का, ऐसे गाड़ी चलती थी और ऐसे ही पांव से ब्रेक लगती थी, क्या मजा आ रहा है यार। तो अब बैठ के हम लोग फ्रेडी की रेगुलर कार के अंदर जो डबल सीटर चलती थी, या चलाएंगे दोनों गाड़ी मिलके और ब्रेक मारेगा। तो भाई साहब अपना कार्टून जंक्शन का हो गया राइड कंप्लीट, बहुत मजा आया, मैं बता नहीं सकता कितना मजा आया। ये मेरी स्माइल है ना, जब से आया हूँ बंद ही नहीं हो रही, ये दोनों चिढ़ा रहे मुझे उसको लेके, मगर भाई बचपन में जो कार्टून देखे थे वो सामने देखे, प्लस वो सब मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। हम लोग ने अंदर फ्रेडी फ्लिंटस्टोन देखा, जेटसंस देखा, लोड रनर देखा, ट्वीडी देखी,
बाद में और क्या, टॉम एंड जेरी देखा तो गिना नहीं सकते उतने। पिया को भी कुछ नया जानने मिला, जो हम लोग कार्टून देखते थे अपने ज़माने में वो उसको देखा है, स्टोरी भी हम लोग करते करते चल रहे थे। और बाहर यहाँ पे है ना, यहाँ पे अभी हम लोग ने खिंचाए थे फोटोग्राफ्स, बहुत मज़ा आया। अभी जा रहे हम लोग गोथाम सिटी, यहाँ पे अंदर राइड्स वगैरह है, तो चले देखते अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहता है। भाई साहब, गोथाम सिटी के आके अंदर पहले देखे मिला अपने को बैटमैन और उसकी कार। तो आइए फोटो वगैरह खिंचाते इसके साथ में। भाई हीरोज ऑफ कॉस्मोस, मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट एनिमेटेड एक्सपीरियंस था ये। मेरे पीछे मेट्रोपोलिस ऑब्जर्वेटरी, इसमें था शो। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप आ रहे वॉर्नर ब्रदर्स, ये मिस मत करना। मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट एनिमेटेड एक्सपीरियंस था ये। क्या मज़ा आया जाके, हम लोग को बाहर से ज़्यादा दुखी आत्मा दिख रहा है क्या रहेगा गैलरी जैसा, मगर भाई फुल लॉन मज़ा आया एकदम। भाई मज़ा आया, पहली बार जिप लाइनर किया मैंने और पिया ने भी किया। पिया को जिप लाइनर अलाउड नहीं था उसकी वजन के हिसाब से, मगर मेरे को बहुत मज़ा आया। चलिए अभी टाइम हो गया है, पेट पूजा का, भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाते हैं उसके बाद आगे राइड्स कंटिन्यू करेंगे। तभी देखिए ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट जहाँ पे इंडियन खाना मिलेगा, एसओ क्लब्स। अंदर चलते हैं, देखते हैं अपने वेजिटेरियन में क्या ऑप्शन अपने लिए है। तो वेज के ऑप्शन में यहाँ पे ये देखिए, ये सब है, दाल मखनी, पनीर मटर दाल, वेज बिरयानी, वेज नूडल्स, समोसा और स्प्रिंग रोल। तो हम लोग ले रहे हैं येल्लो दाल तड़का, राइस और पराठा। तो एकदम सीधा साधा भारतीय खाना मंगाया हम लोग ने, दाल फ्राई, राइस, पराठा और साथ में पापड़, और दिया है पिकल। तो इसका प्राइस है 55 दिरहम्स। और एक डेंजरस राइड दिख रही है मेरे को, रिडल रिवॉल्यूशन। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे दिखती है ये। उबेला छे
एंडिंग में। भाई स्कैर करो, अपने को स्कैर कर देगा। भाई ये स्कैर करो का राइड कुछ अलग ही है, अपने को खड़े खड़े स्कैर कर रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब इधर का एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको जब भी रोड क्रॉस करना रहेगा तो ऐसा मशीन लगा है सिग्नल के नीचे, ये देखिए ये सिग्नल है, इसके नीचे मशीन लगा हुआ है, आप हाथ लगाइए उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा वे ग्रीन और आपको क्रॉस करना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से और बाकी सब गाड़ी खड़ी रहेगी। ये देखिए यहाँ है फरारी वर्ल्ड और यहाँ है क्लाइम, जहाँ पे आपको एक वॉल चढ़ने का एक्सपीरियंस मिलता है, प्लस यहाँ पे है इनडोर स्काई डाइविंग। भाई साहब एक्सपीरियंस तो बहुत गजब रहेगा, मगर अपना इस बार का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो चलिए चलते हैं अभी। भाई साहब डिनर में अपना है आज मुंबई पाव भाजी और तवा पुलाव, और आज अपना बिल हुआ है 60 dirhams ओनली। तो दोस्तों हो गया अपना वार्नर ब्रदर्स घूम के, बहुत मजा आया, सीरियसली बोलता हूँ। हम लोग का ये थर्ड पार्क था यास आइलैंड का, फर्स्ट हम लोग गए थे फरारी पार्क, उसके बाद यास वाटर पार्क और आज आए वार्नर ब्रदर्स। अभी मेरा पर्सनली फेवरेट वार्नर ब्रदर्स है, क्योंकि भाई साहब जो बचपन की यादें होते हैं ना वो जीने का मजा आया, पूरे कार्टून्स देखे जो हम लोग छोटे थे जब भी देखा करते थे। पिया को भी दिखाया, पिया आपको कौन सा पार्क अच्छा लगा तीनों में से? वार्नर ब्रदर्स। प्रेरणा आपको? वार्नर ब्रदर्स। तो भैया पूरी फैमिली को वार्नर ब्रदर्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, दूसरे पार्क भी अच्छे हैं मगर इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो फिलहाल ये वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म, होपफुली आप लोग को भी मज़ा आया रहेगा। अगर मज़ा आया रहेगा एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड नाइट एंड बाय बाय।